गुड मॉर्निंग माई डियर फ्रेंड, आई एम शिप्रा मिश्रा। टूडे आई विल टीच यू केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9th इन साइंस। सो चैप्टर नंबर 2, इज मैटर अराउंड अस प्योर। टूडेज आवर टॉपिक टाइप ऑफ मिक्सचर। अब यहाँ पर हम देखते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर। ये जो नेक्स्ट वीडियो में हम मिक्सचर के बारे में जाने थे, उसकी डिफिनेशन जाने थे, है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मिक्सचर कितने टाइप का होता है। मिक्सचर कैन आल्सो बी ग्रुप्ड। मिक्सचर जो होता है वो ग्रुप में रहता है। मिक्सचर जो है वो टू टाइप का होता है। फर्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर और सेकेंड है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हम थोड़ा सा देखते हैं इसको। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिजिकल स्टेट, है ना। तो फिजिकल स्टेट में सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब इन तीनों का क्या होता है, तो हम देखते हैं। देखो यहाँ सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। और इसमें इस रो में सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर गैस है। अब हम यहाँ से देखेंगे ये सॉलिड, ये सॉलिड, साल्ट एंड शुगर, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। अब यहाँ से सॉलिड और लिक्विड देखेंगे। पहले हम सॉलिड देखेंगे, साल्ट हो गया, फिर हम लिक्विड देखेंगे, वाटर हो गया। अब यहाँ से सॉलिड और गैस, सॉलिड डस्ट इन एयर, है ना। अब है लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड में मरकरी एंड कॉपर, लिक्विड लिक्विड और लिक्विड एल्कोहल एंड वाटर, ये एंड का साइन है। अब लिक्विड और गैस में क्या होगा, क्लाउड। अब यहाँ पे गैस और सॉलिड, यहाँ पर गैस और सॉलिड हाइड्रोजन एंड पैलियम। अब गैस और लिक्विड ऑक्सीजन एंड वाटर। गैस गैस से जब मिलेगा तो क्या होगा, एयर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटीज। इसमें होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से हेट्रोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर का डिफरेंस पूछता है, या तो डिफरेंस भी पूछेगा और एग्जाम्पल भी बोलेगा लिखने के लिए। तो वहाँ से 2 नंबर या 3 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है। तो हम देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मीन्स यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में हो, यूनिफॉर्म। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, है ना, स्कूल में एक ड्रेस होता है, वो सारे बच्चे जो छोटे होंगे या जो बड़े होंगे, या जो बड़े क्लास के होंगे या जो छोटे क्लास के होंगे, सबका वो जो ड्रेस होगा वो सेम होगा, है ना। वो सभी लोग स्कूल पहन के आएंगे। जिस दिन बच्चे स्कूल आते हैं, या तो हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग का जो ड्रेस है वो मैच करता है, सबका ड्रेस सेम होना चाहिए। एक स्कूल के बच्चे जो होंगे, जैसे कोई भी स्कूल है, उन बच्चों को देखोगे तो उन लोगों का ड्रेस जो होता है वो सेम होता है। अगर डिफरेंट स्कूल हम ले लें, डिफरेंस स्कूल ले लें, तो वो जो ड्रेस होता है वो डिफरेंट होता है, है ना। तो होमो, होमो मीन्स सेम, जीनियस, है ना, होमो मीन्स सेम। फिर हम लोग देखते हैं ये ड्रेस और ये ड्रेस सेम है, मीन्स ये एक ही स्कूल के बच्चे हैं। होमो मीन्स सेम, जैसे ना स्कूल है तो स्कूल का जब ड्रेस सेम हुआ, मीन्स ये होमोजीनियस हुआ। अगर हम लोग स्कूल जाते हैं और अलग अलग स्कूल के बच्चों को वहाँ पे बुलाया जाए, तो उस ड्रेस को देखकर हम बता देंगे कि अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं, तो वहाँ पे आ जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस ऑलवेज सेम, बट हेट्रोजीनियस ऑलवेज डिफरेंट। हेट्रोजीनियस जो होता है इसमें डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और होमो मीन्स हमेशा सेम होता है। जो एक स्टूडेंट के लिए
व्यवस्था होगा, वही सारे स्टूडेंट के लिए व्यवस्था होगा कि ये अच्छे घर का है तो इसको अच्छा दे दें, ये गंदे घर का है तो इसको बेकार सा दे दें। यहाँ पर ये ऐसा कोई रूल नहीं होगा, होमो मीन्स ही होता है सेम, ये हम समझाने के लिए आपको लिए थे। अब देखते हैं होमो में क्या क्या आता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज, ये होमोजीनियस जो होता है वो कंसिस्ट करता है सिंगल फेज को। यूनिफॉर्म, सेकंड है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन में ये रहता है जो अभी हम यहाँ स्कूल के बारे में समझाए हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन सेम वही होता है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर फेज, ये दो या दो से अधिक फेज को कंसिस्ट करता है। अब सेकंड है डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता, मीन्स ये अलग अलग, जैसे जैसे मान लो कलर है, उस कलर में अगर कोई रेड कलर है, कोई ब्लू कलर है, कोई वाइट कलर है और कोई ग्रीन कलर है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर हैं, है ना, उसमें है, तो उसको हम बोलेंगे दिस इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर वहीं उस कलर में बस रेड कलर का ही हो, बस ग्रीन कलर का ही हो और केवल वो ब्लू कलर का अगर रहे, सिंगल अगर ब्लू है तो बस पूरा ब्लू ही रहे, तो वहाँ पर हम उसको बोलते हैं दिस इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। अगर वहीं पे एक ब्लू है, एक ग्रीन है, एक येल्लो है, एक वाइट है, कई टाइप के कलर हैं, तो उसको हम बोलते हैं दिस इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, अब देखते हैं एग्जाम्पल। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है शुगर डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में शुगर डिजॉल्व है, मीन्स वो जब डिजॉल्व हो जाएगा सारा वाटर और शुगर मिक्स हो जाएगा तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में देखो एयर अलग है, सैंड अलग है, कॉमन साल्ट अलग है, सब अलग अलग है, सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर और इसको बोलेंगे दिस इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। आई होप यू आर अंडरस्टैंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर एस। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का क्या डिफरेंस है, तब यहाँ पे है होमोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे देखो होमोजीनियस मिक्सचर, इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन इजली, देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन इन ए होमोजीनियस मिक्सचर, इट कंसिस्ट कैन नॉट बी इजली सेपरेट। एग्जाम्पल है एलॉय सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर ईटीसी। इसमें क्या होता है, देखो अगर होमोजीनियस मिक्सचर में है तो एक बार फिर से सुनो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो हमको जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, और जैसे होमोजीनियस मिक्सचर है तो हम उसको सेपरेट भी नहीं कर सकते इजिली, वो सेपरेट नहीं होगा। जैसे साल्ट है और वाटर है, तो साल्ट को अगर हम वाटर में घोल दिए, तो अगर हम चाहें कि अब हम जैसे साल्ट है और वाटर है, तो वाटर में हम साल्ट को डाल दिए, फिर उसको सेक करके घुमा दिए, वो मिल गया, है ना, तो पूरा वाटर हो गया, है ना, वाटर का मिक्सचर हुआ। फिर हम अगर ये चाहें कि हम साल्ट को अलग कर लें और वाटर को अलग कर लें, तो क्या होगा, नहीं होगा ना, साल्ट अलग होगा, नहीं होगा, इजिली नहीं होगा, बहुत उसमें डिफिकल्ट होगा उसको सेपरेट करने में। तो इस क्वेश्चन में यही बता रहा है, और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का ये सब अभी हम बताए हैं, ये सब भी डिफरेंस उसमें उस क्वेश्चन में लिखा जा सकता है। थैंक यू, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।
और जो आपको समझ में ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।